रुला दिया ना बच्ची को, छोटी बच्ची रुके। आज कायू ने हमको बहुत अच्छे से सोने दिया तो आज हम थोड़े फ्रेश लगेंगे पूरा दिन। वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैंने कहीं तो पढ़ा था बच्चा होने के बाद 2 साल तक माँ बाप को ठीक से नींद नहीं मिलती, जो सिर्फ माँ बाप रहते हैं, मतलब घर में बड़ी फैमिली है तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो गाइस, दो चीज। पहली, अपना जो बॉम्बे जर्नी का इंटरव्यू था वो आ गया है, मैंने बहुत पहले ब्लॉग बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चाहे इंटरव्यू जरूर देखो। गालियाँ जो है बीप नहीं की तो उसके लिए अभी से ही माफी मांगना चाहूंगा। कुछ लोग को बड़ा मजा था गाली सुनने के लिए, पर मुझको देने को प्रॉब्लम नहीं, देते तो हम सब है, बट वो कैमरे में आता मुझे ऑकवर्ड लगता है, बट चलो कोई नहीं भाई, अभी जो है रियलिटी वो है। दूसरी चीज, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े अभी, कम्युनिटी फिश के बारे में मैंने बताया था, आई एम ग्लैड लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, आशा करते हैं लोग जाके वहां पर खाना भी रखें और ऐसे बहुत सारे फ्रिज आ जाए। आज फिर बड़े बताओ बताओ नहीं बताओ, हाँ ये दूसरा कलर, बट इसमें एक्चुअली अंधेरे में नहीं समझेगा, दूसरा कलर उधर हमारा, उसको उधर दिखा। नहीं नहीं, अच्छा है भाई, अपना सोनी 73 तेरे से नहीं, अपना आईफोन आईफोन ब्लॉग नहीं करता मैं, फिर भी अरे वो यहां आएंगे तो अलग हो जाएगा, ये यहां डार्क हो गया उल्टा, मुझे वहां जा अंदर रहना पड़ेगा, अभी लाइट आई। देखो भाई कैसा है, इन लोगों को समझता नहीं कैमरा कैसे यूज़ करता, आज और एक फोटोशूट है तो मैं अपन बढ़ जाएंगे। अरे कल वो जो रोलर डाला था, रोलर आज रोलर खोलेंगे और खड़े रह के फोटोशूट करेंगे, डाला था मैंने अपने लिए, इन लोग अपना काम का कर रहे हैं। बोल बोल झूठ बोल झूठिया। और हमारी प्यारी सी बच्ची सो रही है, थोड़ी देर में ही उड़ जाएगी, आज नॉन स्टॉप 8 घंटा सोई ना, यूजली क्या टुकड़े टुकड़े में उठती है दूध पी के, फिर जो है वो दोपहर को 12 बजे से सो जाती है, अच्छा डीप स्लीप में, अभी नॉन स्टॉप सोई 1:30 बजे तक, तो ये शायद अभी पता नहीं 5 महीने बाद भी मैं बोल नहीं सकता कि बच्चे का उठने का सोने का पैटर्न क्या है। हाँ ये बोल सकता हूँ कि ये अभी सोएगी और ये अभी उठने वाली है, तो ये अभी उठने वाली नहीं है, इसको टाइम लगेगा। अरे ये रूम में चश्मा क्यों पहन रहा हूँ मैं, तो अभी अपन बैठते इधर से, नया भूत चढ़ गया, मेरे होठ पकड़ खींचती है, बाल पकड़ खींचती है। अच्छा बेटा ये दे 3-4 सफ़ेद बाल, वो भी खींच दे खींच दे खींच दे। गाड़ियाँ खड़ी हो गई है, अभी से ना मैं एक हैबिट करूँगा कि हमेशा पहले ये घर में आता था ना ऊपर पार्क करता था, मेरी पार्किंग है तो ऊपर क्यों जाऊँ, मुझे पता नहीं यहाँ से भी लिफ्ट है जो तब बन रही थी, वो इट वॉज नॉट ऑपरेशन, अभी ऑपरेशन वो डोर ऑपरेशन हो गया। सच अ कूल प्लेस यार, यहाँ पर आके बैठो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बाहर दिखा रहा है 32 और यहाँ पर इतना प्लेजेंट फील हो रहा है ना कि मैं राइडिंग गियर पहन के यहाँ पर खड़ा हो सकता हूँ, इतना अच्छा है। और फोटोज निकालने के लिए अच्छी जगह है यार, वो देखो वो और एक जगह है जो कि मैंने कल ढूंढी, दिख रहा है वहाँ पर वो छतरी वतरी लगी हुई है, वहाँ पर बैठ भी सकते हैं, शाम को बहुत सारे लोग बैठते, मतलब वो थी मुझे पता था, लेकिन प्लास्टिक लगी हुई थी, अभी निकाल दी वो प्लास्टिक। याद है मैं बोल रहा था प्रोजेक्टर आएगा, तो प्रोजेक्टर होल्ड पे चले गया था, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्टर रिकमेंड किया था, मैंने ब्रांड को मेल किया, ब्रांड ने बोला होल्ड करो मैं तुझे देता हूँ, अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं, तो माइट एज वेल मैं जाके खरीद लूँ। देखो कोई चीज़ फ्री में मिलती है ना तो लेने का, वो भी अच्छी चीज़, तो कभी खुद खर्चा करना पड़ेगा। जो है भाई ऑनेस्टली बताता हूँ मैं, और अभी ये चीज़ यहाँ पर जहाँ फोटोशूट होगा कितनी अच्छी लग रही है, नीट लग रही है, कैसा लग रहा है, इतना मस्त हो गया। और इस पर बिना चप्पल के जाने का, चप्पल अगर साफ है तो ही जाने का, वरना नहीं जाने का, इसको भी बोल दिया। और शाहनी जा रही थी मैं भड़का, शाहनी थोड़ा ये डोइंग भूल गई, फोटोशूट के टाइम पे ऐसे नहीं करते थे, तो हमने उसको पीछे से लिया है, आगे से भी ले सकते थे, बट बिकॉज ये फ्लैट आ रहा है, अच्छा आ रहा है और लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, और स्काई रो रही है, स्काई को मेरे पास आने का, इतना मैं गंदा लग रहा हूँ फिर भी। ये हो गया हमारा रूम कम फोटो स्टूडियो नहीं बोलूंगा, वॉलपेपर चेंज वाला, क्या मस्त आ रहा है यार, कुछ भी करना, ये फाड़ना नहीं, अभी दोनों के दोनों इसके ऊपर से कर ऑलमोस्ट फट गया था, मैंने बोला चार्ट पेपर नया खरीदेंगे का बात नहीं है, इज्जत करने का, बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून, राजू तेरे को कुछ नहीं आता रे, चल तू जा, 25 दिन में पैसा डबल करना है, ऐसा नहीं करने, अभी तेरे वजह से यू पुश्ड मी, पता नहीं यू पुश्ड मी, यू पुश्ड, पुक्कट का नर्वस हो रही है टेरन, ये भाई भाई भी डर रहा है, अरे गुदगुदी का, स्लोली स्लोली, ओके आई एम डूइंग स्लोली स्लोली, अरे रुला दिया ना बच्ची को, छोटी बच्ची रुके, भाई वो भी गोकू बन गई और ट्रांसफॉर्मेशन ले रही है स्काई, अबे देखो अब इसको ये बाल से छेड़ता हूँ, ऐसे लेता हूँ, पकड़ लिया फंस गए, अब जो तो नहीं पकड़ रही थी इसकी, तू कैमरा चलो क्या, पकड़ लिया तूने, इतनी एक्साइटेड है ना लड़की, हम ये आधे घंटे से कर रहे हैं मस्ती नॉन स्टॉप, अरे बाप रे बाप, मैं इसके सामने कैसा लग रहा हूँ यार, यूजुअली मैं कितना गोरा समझता हूँ अपने आप को, बेटा व्लॉगिंग कर रहे हैं बेटा, ऐसा मत करो भैया, फोन से कर रहे, कैमरा भी नहीं है, बोलती है खेलो डैडी, तो क्या हुआ, घंटा हो गया तो खेलो खेलो
खेलो तभी मजा आएगा, कुछ मत करो, काम धंधा छोड़ दो, बस मेरे साथ खेलते रहो। गाइस अभी ये देखो इसको मजा आया, मैंने कुछ नया ढूंढा, देखो क्या मजा आ रही है इसको, इसमें इसको मजा आ रही, इसके बाद उल्टी करने वाला है। अभी देखा गाइस मैंने अच्छा खासा दिन निकला हुआ, मैंने हैवी मारी हो, मतलब डे लाइट में भी लाइट जो है बहुत खतरनाक शाइन करती है, अब समझ सकते हो कितना मजा आएगा उसको लेके जाने के लिए। एनीवेज तो मैं यहाँ पर ये जो है ये चीज़ टेस्ट करने आया हूँ, एज यू कैन सी उस दिन मैंने यहाँ पर डाला, काफ़ी लोगों को पसंद है सरप्राइजिंगली, बहुत लोगों ने अच्छा कमेंट किया, बड़ा इसको यूज़ किया करो, ऑफकोर्स यूज़ करो, लेकिन कैसे होता है कन्वीनियंस भी होता है, मुझे ये पता नहीं अच्छा ही लगा, और जो मुझे नहीं चाहिए मतलब इफ़ आई एम राइडिंग फास्ट तो मैं इसको मतलब बंद नहीं, मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन ये जो है बेसिकली ये मैं इंस्टा 360 के लिए यूज़ करता था, 360 वीडियोज़ के लिए, तो मैंने चलो भाई इसको इस्तेमाल करके देखते हैं, तो जब मैं फास्ट चला रहा उसको मैं ऐसा कर दूंगा, और जो मुझे चाहिए ऐसा हो तो खोल के इसको ऐसा भी कर दूंगा, तो अभी देखते हैं इसका शॉट कैसा आता है। अच्छा खासा टाइट करता हूँ, वैसे टेंशन तो नहीं है, अभी देखो ये मैंने इसको टच करके लगाया है तो ये हल्का सा शायद टच करेगा, बट ठीक है थोड़ा मैं आगे पीछे ले लूँगा, वैसे भी ये विंडशील्ड जो है हाईवे पूरी डिप्लॉय रहती है ताकि आपको एक ऐसा फील्ड ऑफ व्यू मिले ना कि आप लोग इन्जॉय करो। अभी ऐसा वाला मैंने सेटअप फिलहाल किसी के पास देखा नहीं है, होगा भी तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर नहीं, ये अलग अलग कोने में भी आएगा, टेस्ट करके देखिए। हाँ तो भैया कुछ ऐसा लग रहा है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई थिंक ये चीज़ को मैं जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब आप में से बहुत लोग बोलोगे 360 क्यों नहीं, 360 भी, लेकिन वो उसको एडिट करने का बड़ा लोचा है और उसकी क्वालिटी मुझे आउटपुट जो है पता नहीं अच्छा नहीं लगता। एनीवेज कुछ अच्छा गुफ्तगू करते हैं, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ आप में से ज़्यादा करके लोगों ने जो है वो बॉम्बे जर्नी का वीडियो देखा होगा और काफ़ी ज़्यादा लोगों को वो इंटरव्यू पसंद आ रहा है, बिकॉज इंटरव्यू कम एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन ज़्यादा थी और बहुत लोगों ने बड़ा निखिल का ये सेट देख के अच्छा लगा, तो काफ़ी चीज़ें हम व्लॉग में नहीं बोल सकते, ऐसे इंटरव्यू में कोई ऐसा कोई सवाल पूछ ले तो वो टाइम बोल बच्चन करने को जो अच्छा लगता है, और वो टाइम कुछ ऐसा हुआ तो अपन ने बोल बच्चन कर डाली। अगर मैं गाली गलौज को हटाऊं, गाली गलौज के बारे में अगर बात नहीं करूं, तो वो जो मेरा कैरेक्टर है वो ला सकता हूं व्लॉग में, लेकिन कैसा ना जब मैं इस तरह व्लॉग करता हूं तो मुझे पता है मैं कुछ सोचता हूं और फिर मैं कैमरे के सामने बकता हूं, लेकिन वो जो इंटरव्यू टाइप वाला फॉर्मेट था वो जो निखिल था वो बेसिकली पूरा टाइम दिन के 24 घंटा वही निखिल रहता है, लेकिन वो कैसा ना जब मैं किसी से बात करता हूं, जब थोड़ा भड़कता हूं, थोड़ा वो नॉटीनेस टिपिकल मुंबईकर वाला बंदा जो है मेरे अंदर बसा हुआ, टिपिकल गाली देने वाला, टिपिकल मस्ती करने वाला, व्लॉग में गाली नहीं देता, मुझे शानिज ने बहुत बार बोला यू नो यू शुड पुट दैट गाली, पीपल लाइक इट, दैट्स द रियल यू, करेक्ट, बहुत लोग गाली देते हैं, आप में से बहुत लोग जो फैमिली वाले लोग सुन रहे हो वो भी गाली देते हो, लेकिन कैसा है ना मुझे चाहिए कि मेरी ऑडियंस कंफर्टेबल रहे, तो मैं आपको इतना 4K TV बोलता हूँ, अगर आप टीवी में देखोगे और कोई थोड़ा भी गाली बकता तो बहुत अनकंफर्टेबलनेस वाली फीलिंग आती है, जो कि मुझे आती थी जब मैं वीडियो देखता, तो मुझे नहीं चाहिए मेरी ऑडियंस में से किसी एक इंसान को भी वो आए, और इसीलिए ना मैं गाली देने की प्रैक्टिस करता हूँ, गाली देता भी हूँ ना उसको पूरा जो है वो उड़ा देता हूँ, और बाय द वे उड़ाने से याद आया अभी ये नो एंट्री है, ये सबको पता था ऊपर कैमरा लगे हुए हैं, मुझे लगता था कि सेफ्टी के लिए, बट ये सेफ्टी के लिए तो है, लेकिन अभी एक नया सीन सुनने को मिला है मुझे मुंबई में कि अगर आप नो एंट्रीज में घुसते हो, पहले भी घुसते, आपने भी घुसा है, मैंने भी घुसा है, लेकिन अगर आप घुसते हो ये मुझे नहीं पता था कि लिटरली FIR होगी और फाइन भी अच्छा खासा है, 2 दिन तक आपको चौकी में रख सकते हैं, सुना है मुझे, डोंट कोट मी ऑन दिस, मैंने सुना है, मैंने बिल्कुल गूगल सर्च नहीं किया, कल ही सुना तो सुन के लिटरली मैं हक्का बक्का रह गया कि यार नो एंट्री में घुसने के लिए कोई किसी को अरेस्ट कैसे कर सकता है, वो कैरेक्टर मैं कैमरे में कैसे लाऊं, वो एक ही तरीका है कि मैं कॉन्वर्सेशन जो है ज्यादा दिखाऊं, तो अभी से मैंने सोच लिया कि भाई अच्छा लगा, शानिज ने मुझे बहुत बोला निखिल सी आई टू टेल यू, शानिज मुझे बहुत पहले से बोलती थी डाल 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 डाल, मैं बोलता था किसको अच्छा नहीं लगेगा यार, बोरिंग निखिल है, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस देख के मुझे लगा भाई अगर इंटरव्यू में इतना अच्छा रिस्पांस आ सकता है तो भैया जी रियल लाइफ में तो आ ही सकता है, आई शुड बी मोर ओपन, मोर फ्रेंडली, इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और कभी मुंह से और मैं गाली दूंगा लेकिन वो गाली उड़ा दूंगा, कैसा है ना वो गाली नहीं देके नहीं दूंगा सोच के अगर मैं व्लॉग करूँ ना तो वो कैसा होता है वो थोड़ा नहीं होता है, वो बराबर अच्छा नहीं लगता और वो दिख जाता है कैमरे के सामने, तो अभी थैंक यू गाइज आप लोग के रिस्पॉन्स, आप लोगों का कमेंट ने, ये थोड़ा टर्न डेंजरस है, गाड़ी बहुत तेजी से आती है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते बच्चे, हम सरप्राइज किया अभी तक यहाँ पर कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ कैसे नहीं। एनीवेज तो अभी हम वैसे टेस्ट हो चुका है, बाय द वे सुबह सुबह है तो ये सुबह सुबह मैं शूट कर रहा हूँ, आई थिंक ये व्लॉग के दूसरे पार्ट में डालूंगा मैं, बिकॉज मुझे चाहिए कि वो दूसरे वाले पार्ट में रहे,
अभी मैं थक गया हूँ यार नॉनस्टॉप बोलते बोलते। बाइक को इतना अच्छा रेडी कर लिया, हेलमेट ले लिया, ब्लूटूथ डाल लिया, गोप्रो सेटअप ढूंढ लिया अच्छा खासा, लेकिन हम राइड पे कब जा रहे हैं ये मुझे नहीं पता। एक्चुअली मैं आपको कमाल की बात बोलता हूँ, जब देवू भाई आए और मैं इंदौर गया था डीजे भाई को मिलने के लिए, डीजे भाई 13th या 14th मई को निकल रहे थे नेपाल पोखरा के लिए, और उन्होंने मुझे पूछा था कि चल मेरे साथ। मैंने बोला था कि मैं बताता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो वाला नेपाल जो उनके साथ जाना था वो भी मिस कर दिया। अभी क्या है, फैमिली वाला आदमी हूँ, मुझे पता है बहुत सारे फैमिली वाले आदमी ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं, बट कैसे है ना यहाँ पर थोड़ा ये हो रहा है कि शानिस बेचारी अकेली है और स्काई को ना मेरी बहुत गंदी वाली आदत हो गई है, जो कि अच्छी बात है, प्राउड थिंग। पर एक तो मैं थोड़ा तो ब्लेस्ड हूँ ना, अभी मैं केरला भी गया था ना, मैं बहुत डर रहा था, मैं कभी डरा नहीं था राइडिंग करते, मैं बहुत डर रहा था। आपने देखा कि मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली लॉन्च मुंबई आया था, बट मैं कोल्हापुर रुका, तो अभी वो निखिल नहीं रहा, थोड़ा बदल गया, क्योंकि अच्छी बात है, अच्छे के लिए बदला है। और ये मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह राइड करने के लिए कि पूरा एक चक्कर मारा, कोई ज़्यादा लोग नहीं दिखे, ट्रैफिक नहीं दिखे, हाँ जो लोग दिखे वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक और जॉग कर रहे हैं, जो कि देख के अच्छा लगता है, मोटिवेट फील होता है। ये लोग जॉग कर रहे हैं और हम अभी जाके थोड़ा 1-2 घंटा सो जाएंगे। यही है ज़िंदगी हमारी।